हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से अडेनियम के बीज को हम इकट्ठे कर सकते हैं और इसकी फलियां किस तरह से होती है, वो सारे ही आज मैं दिखाने वाली हूं। और ये फलियां कब लगती है, कितने समय में मैच्योर होकर इस तरह से बीज मिल जाते हैं, तो सारी ही चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ आज। ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है अडेनियम के बीज जिसे मैंने इकट्ठे करके रख लिए थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है फली इसकी। ये फली 5-6 महीने पहले लगी हुई थी और ये हरी भरी सी थी। अब आप देख रहे हैं, ये अपने आप खुल गई है और खुलकर इसके बीज बाहर आ गए थे जो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। इस तरह से बंद थी ये फली और ग्रीन कलर की होती है। अडेनियम की फली को आप बांध कर रख सकते हैं, इसे आप धागे से या रबर बैंड से बांध सकते हैं ताकि ये अपने आप खुले नहीं। कई बार यह होता है कि अडेनियम के जो ये बीज हैं मैच्योर होके और अपने आप खुल के उड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। तो इसे आप रबर बैंड से या फिर धागे से बांध दीजिए, तो जब भी आपको लगे कि ये फली सूखने लगी है, थोड़ी पीली सी, जिस तरह से ये देखिए ये पीली पड़ गई है और अच्छी तरह से सूख गई है, इस समय हम इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये मैच्योर हो गई है और बीज इसमें तैयार हो गए हैं। तो इस समय आप इसे धागे से हटा सकते हैं और इसे एक छोटा सा कट लगाकर इससे बीज ले सकते हैं। इस तरह से इन बीजों से हम अडेनियम के ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं ये। वैसे तो अडेनियम को हम कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाते हैं, लेकिन कई बार कटिंग लग पाती है और कभी लग भी नहीं पाती है। लेकिन बीज से हम बहुत आसानी से अडेनियम के ढेरों पौधे बना सकते हैं, छोटी छोटी पौध तैयार कर सकते हैं और फिर इसे हम गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत आसानी से उग जाते हैं ये अडेनियम के बीज। जब आपके पौधे में इस तरह की फली लग गई हो और 2-3 महीने की हो गई हो, हरी रहती है, तभी आप इसे धागे से बांध दीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे बीज प्राप्त हो जाएंगे। वरना कई बार ऐसे होते हैं कि खुल जाती है अपने आप से, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था और ये अपने आप फलियां खुल गई थी और बीज बाहर आ गए थे। लेकिन सही समय पर मैंने इसे देख लिए और सारे बीज को इकट्ठे कर लिए। यदि मैं नहीं देख पाती तो ये सारे ही उड़ जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और बहुत आसानी से उड़ जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। और अडेनियम को लेकर जो मैंने जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।